हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्लीज जॉइन द सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हाँ, एक गलती हुई है आज की। गलती से वो 3 o'clock का लग गया, बल्कि क्लास जबकि 4 बजे होनी थी। तो अभी मैंने कमेंट चेक किए हैं तो कुछ लोग 3 बजे आ गए थे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यू प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग फरहत। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। From that area, at least one or two questions we find. Today we will discuss important author known as Bronte sisters. All the three sisters, their contribution in English literature, their novels in detail, their pen names, family background, each and everything we will discuss in detail. Bronte sisters, who are also known as Stormy sisters. So there is a photograph of the Bronte sisters. You can see all the three sisters are there. Yes. So let's start. The number is given on the screen if anybody has any kind of the doubt. हाँ, नमस्ते महलावत जी। यस यस, मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं। वो गलती से 3 हो गया, आज 4 o'clock पे एक क्लास होनी थी। माफी चाहूंगा उसके लिए। तो चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रोंटी सिस्टर्स। एक्चुअली फर्स्ट, वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ब्रोंटी सिस्टर्स, दे आर पेन नेम्स। वी नो वेरी वेल ब्रोंटी सिस्टर्स वर राइटिंग इन द ऑलमोस्ट यू कैन से 5th decade ऑफ 19th सेंचुरी और सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, द विक्टोरियन ईरा। एट दैट टाइम द विमेन वर नॉट अप्रिशिएटेड इफ दे वर राइटिंग। तो दैट्स वाई ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट फीमेल ऑथर्स दे रोट अंडर मेल स्यूडोनिम। सेम वॉज द केस विद ब्रोंटी सिस्टर्स ऑल्सो। तो दे रोट विद द नेम करर बेल, एलिस बेल एंड एक्टन बेल। तो एक्चुअली देर ओरिजिनल नेम्स आर शार्लोट ब्रोंटी एंड द पेन नेम ऑफ शार्लोट ब्रोंटी इज करर बेल। एमिली ब्रोंटी, एलिस बेल एंड एनी ब्रोंटी एक्टन बेल। याद करने का तरीका क्या है, इनके जो पहले ओरिजिनल नेम जो है उनके पहले लेटर और पेन नेम के पहले लेटर मैच करते हैं। करर एंड शार्लोट, एलिस एमिली एंड एक्टन एनी। ये एक तरीका है याद करने का। इफ यू टॉक अबाउट द 19th सेंचुरी, एज आई हैव मेंशनड, मेनली द पब्लिक पोइट्री एंड फिक्शन दे रोट अंडर स्यूडोनिम। दे अडोप्टेड देयर पेन नेम्स एंड फर्स्ट टाइम देयर एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड इन 1846। ये इनकी जो सिस्टर्स थी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। एमली ब्रोंटीज वुदरिंग हाइट्स एंड शार्लोट्स जेन आयर वर बोथ पब्लिश्ड अंडर देयर मेल नेम्स। और दो ही इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं, एमली ब्रोंटी द ओनली नोवल रिटन बाई एमली इज वुदरिंग हाइट्स एंड शार्लोट, हालांकि शार्लोट ब्रोंटी ने और भी लिखा है, बट द मोस्ट फेमस इज जेन आयर एंड बोथ द नोवेल्स पब्लिश्ड अंडर देयर मेल स्यूडोनिम्स। तो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ शार्लोट ब्रोंटी, देन एमली ब्रोंटी एंड एनी ब्रोंटी। वन थिंग दैट इज नोटिसेबल हियर, हेलो शर्मिष्ठा, ओके गुड गुड महलावत, वेरी गुड। तो दिस इज द लाइफ स्पैन। यस 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 जावेद, पेट्रियार्कल सोसाइटी वॉज देयर, दैट्स वाई दे हैड टू अडोप्ट मेल स्यूडोनिम। वन थिंग दैट इज नोटिसेबल हियर, ऑल ऑफ द थ्री सिस्टर्स दे डाइड यंग। आप यहां पर देखोगे तो जस्ट 39, जस्ट 30 एंड हियर जस्ट 29। तो किसी ने भी 40 टच नहीं किया चारों में से। तो इट मीन्स दैट दे डाइड क्वाइट यंग। तो एक ये क्वेश्चन एक बार नेट में आया था, फ्रॉम विच विलेज दे बिलोंग्ड, दैट इज हावोर्थ। तो ये आप कर सकते हैं। द मदर वॉज अ कॉर्निश वूमन, सी डाइड ऑफ कैंसर एंड देन द फैमिली शिफ्टेड देयर।
देयर सिस्टर एलिजाबेथ ब्रैनवेल, ठीक है, ये कौन है, ये इनकी मौसी थी यू कैन से, तो ये इनका लुक आफ्टर करती है। ऑल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाई देयर आंट, मीन्स सिस्टर ऑफ देयर मदर आफ्टर द डेथ ऑफ देयर मदर। और पैट्रिक ब्रोंटी मैनेज्ड अ स्कूल, फाइंड अ स्कूल कोवेन ब्रिज। और फिर उसके बाद जो गर्ल्स हैं वो कुछ टाइम के लिए टीचर भी बनती हैं, यू नो वेरी वेल। देयर दे लेड अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिनायल, सबमिशन, फ्रूगलिटी, पनिशमेंट। इट मीन्स देयर चाइल्डहुड वॉज नॉट हैप्पी एंड रिप्रेशन विच इन शार्लोट इंस्टिल्ड द बीटर एंड लास्टिंग रिजेंटमेंट एक्सप्रेस्ड इन 20 ईयर्स लेटर इन जेन आयर। ऑलमोस्ट हर ओन बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस शी मेंशन्ड इन जेन आयर। जेन आयर में क्या है, जेन आयर इज एन ऑर्फन गर्ल, जैसा कि हम आगे चल के उसको पढ़ेंगे भी डिटेल से देखेंगे। उसके बाद वहाँ पर टीचर कैसे बर्ताव करते हैं, हाउ सी वॉज सीड्यूस्ड, सी वॉज अटेम्प्टेड एट बाई हर ओन मास्टर एंड ऑल दीज थिंग्स। ये इनमें से कुछ जो भाई बहन थे, खासकर दो सिस्टर इनकी थी, मारिया एंड एलिजाबेथ, दे डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आपको ध्यान होगा ये वो बीमारी है जिसने उस टाइम पर इसका आतंक था, दैट इज नोन एज टीबी। हाँ, गुड आफ्टरनून शिवानी। इससे ठीक इसी डिजीज का और कौन शिकार हुए हैं, जॉन कीट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैमिली डिटेल है, इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में इसके में नहीं जाऊंगा। ये तो एक कंप्लीट लेक्चर जो मैंने बनाया था ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए, वो आप देख लीजिए। यू कैन नोट नोट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए, तो पैट्रिक ब्रोंटी द फादर, एनी ब्रैनवेल एग्रीड टू फाइनेंस द वेंचर। अब उसके बाद स्कूल की बारी आई है, किस तरीके से वो स्कूल बनाते हैं, उसके बाद खुद का बनाते हैं, तो ये पूरी एक कहानी है। हाँ, नमस्ते बबीता, ये आप देख लोगे। हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लाइज इन द वर्क्स ऑफ ब्रोंटी सिस्टर्स, इन देयर स्यूडोनिम्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि किसी ने अभी तक बुक नहीं लिया है तो यू कैन परचेज दिस बुक, अ गुड बुक इट इज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब बात करते हैं कि एमली ब्रोंटी, एमली रोट वुदरिंग हाइट्स, द ओनली नॉवल रिटन बाय वुदरिंग हाइट्स, एंड इट इज ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ नॉवल। कोई दूसरा इंग्लिश लिटरेचर में इसके पैरेलल का नॉवल नहीं है इस कैटेगरी का। इट वॉज मच कंडेम्ड बाई लिटररी क्रिटिक्स, उस टाइम काफी ये पसंद नहीं किया गया, कहने का मतलब डिसगस्टिंग, इनह्यूमन, इविल, अनसिविलाइज्ड, आर्टिस्टिकली इमैच्योर, इट वॉज अ कमेंट ऑफ क्रिटिक्स। तो ऑन द अदर हैंड शार्लोट ब्रोंटी फिनिश्ड द प्रोफेसर, द प्रोफेसर इज अ नॉवल बाई शार्लोट ब्रोंटी एंड जेन आयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका नॉवल है। एंड एनी रोट एग्नीज ग्रे, ये वर्क्स नोट कर लीजिए भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो शार्लोट्स जेन आयर, ये किस तरीके से बाद में जबरदस्त रिसेप्शन मिलता है, एंड विद द पब्लिकेशन ऑफ दिस नॉवल शार्लोट ब्रोंटी बिकेम वेरी फेमस अगेन। In 1848, Bramwell died of consumption, means again almost the same disease. तो Emily and Annie ये भी बीमार हो जाती हैं, और जो Charlotte है, she continued to live with her father. ठीक, और कुछ time के बाद the father died. और यहीं पर ही Charlotte Bronte, she finished in 1852 the novel Willett. तो it means professor, Jane Eyre, विलेट, ये सारे वर्क्स। अब शार्लोट ब्रोंटी जो है, सी मैरी मैरिड हर फादर्स बोरिंग आयरिश क्यूरेट, ठीक है, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी होती है, बट कुछ टाइम के बाद फिर से वही चीजें, और आफ्टर सम टाइम सी डाइड इन 1855। इफ यू टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ द ऑथर्स, एमिली रोट पोएम्स, जो पोइटिक टैलेंट था वो एमिली ब्रोंटी में सबसे ज्यादा था। She was quite passionate, full of emotions and feelings, और वही चीजें हमें मिलती हैं वुदरिंग हाइट्स में भी। Annie's poems, The Tenant of Wildfell Hole, and Agnes Grey. Agnes Grey is a novel.
और शार्लोट ब्रोंटी जो इनके फोर इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं, प्रोफेसर, जेन आयर, विलेट एंड शर्ली, ऑल द फोर नॉवल्स रिटन बाय, गुड आफ्टरनून पूनम, रिटन बाय शार्लोट ब्रोंटी।